फिलौर के नज़दीक सतलुज नदी पर आज सुबह से टोल कर्मचारियों में लोगों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। कल रात से मोदी सरकार ने 500 बाई 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, जिसके चलते लोग पहले से परेशान थे, पर उनकी परेशानी और बढ़ गई जब टोल कर्मचारियों ने 500 बाई 1000 के नोट लेने से मना कर दिया। उनका कहना था कि उनके पास खुले पैसे नहीं थे, जिसके बाद टोल पर जाम लगना शुरू हो गया। सूचना मिलते ही मीडिया के लोग जैसे टोल पर पहुंचे कवरेज करने लगे, तो टोल कर्मचारियों ने पहले तो छोटी गाड़ियों को फ्री निकाल दिया, वे 500 1000 के नोट भी लेने शुरू कर दिए। टोल पर मौजूद लोगों ने टोल कर्मचारियों पर अधिक पैसे लेने के दोष लगाए। उनका कहना था कि टोल कर्मचारी 500 रुपए लेकर बाकी के पैसे वापस नहीं कर रहे थे। जब इस सारे मामले में टोल पर तैनात अधिकारियों ने बताया कि टोल पर किसी से ज्यादा रुपए चार्ज नहीं किए गए, बाद में शाम को टोल चार्जेस फ्री कर दिए गए। फिलौर से राजकुमार नंगल। मनोज कुमार है, मैं गुरैया तो लुधियाना जा रहा सी और टोल टैक्स से काफ़ी जाम लगा होया है और इन्होंने मेरे को 500 का नोट लैके मैं चेंज दी है जी और मेरे को टोल टैक्स कटे ना। डिसीजन तो बिल्कुल सडन हुआ, ये डिसीजन सडन हो जाने की वजह से हमारे पास भी इतना चेंज मनी अरेंज नहीं था, जिस वजह से जो लोगों को पता चला वो ज़्यादातर करेंसी 500 और 1000 कैरी कर रहे हैं। अब जब लेन में गाड़ी आ रही है उसको हमको एक्सचेंज करना पड़ता है, चूँकि चेंज नहीं हो जाने की वजह से ये हम भी सफ़र कर रहे हैं, यूज़र भी सफ़र कर रहे हैं और हमारा लेंथ क्यू भी बढ़ गया है। ये लगा लोगों को जहाँ पर एक मिनट का समय है टोल प्लाजा का, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट गाड़ी नहीं खड़ेगी, आज कितने कितने देर जो है लोगों को जाम में खड़ना पड़ रहा है, ये किस तरह मान के चलते हैं सर? जहाँ तक जाम की बात है, जाम में हमने बहुत सारी गाड़ियाँ फ्री भी कर दी है, बिकॉज कार जो है छोटी कार, बड़ी गाड़ी को नहीं, हम कार को फ्री कर रहे हैं, बट समहाउ उसको भी हम एक लिमिट तक ही फ्री कर रहे हैं, उसके बाद हम उनसे चार्ज कर रहे हैं।